मेरे ख्याल से इसके बाद हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं, आप के सवाल हो तो हम सवाल लेने के लिए तैयार हैं। नियम यह है कि आप कोई भी व्यक्ति क्रिकेट का से जुड़ा हुआ जो भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उसमें नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति चीफ क्यूरेटर को अपने मन मुताबिक पिच बनाने के लिए या घास हटाने के लिए नहीं कह सकता। यहाँ तक नियम है कि वो पिच देख भी नहीं सकता, जो चाहे वो आईसीसी के हों या बीसीसीआई के जो नियम हैं उसमें से मैं आपको एक पढ़ के सुना देता हूँ। Only captains and team coaches may walk on the actual playing surface of the pitch area outside the crease markings. उसमें भी वो एक मार्किंग करते हैं 2 मीटर की, उस मार्किंग के आसपास ही कैप्टन और कोच पहुंच सकते हैं। और जो इस देश में हो रहा है वो कि क्यूरेटर्स एक ऐसे पद पे लोग होते हैं जिनको जो बड़े खिलाड़ियों के प्रभाव में आ जाते हैं और सबको मालूम है कि बड़े नाम हैं ये, तो वो आकर के उनसे अपने मुताबिक अगले दिन जिसकी बैटिंग है या जिसका मैच है उसके हिसाब से चेंजेस करते हैं। तो यही आपने इस स्टोरी में देखा होगा। किस तरह का सर इसका हाँ, ये इसमें आपने नहीं देखा होगा लेकिन कुछ जो बड़े क्यूरेटर्स हैं उन्होंने ये बताया कि जो कई बार जो छोटे क्यूरेटर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं है उनको लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो सट्टेबाजी और इस तरह की इन्फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि दो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो पिच तक पहुँचे, उन्होंने पिच की पूरी जानकारी दी। 4 IPL मैचेस का हमने इसमें जिक्र कर रहे हैं, तो 4 IPL मैचेस से पहले पिच के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, तो वो पहले पास्ट में हुआ या नहीं हुआ उसको इन्वेस्टिगेट हमने नहीं किया, लेकिन ये एक सिर्फ इशारा भर है कि चीफ अदर क्यूरेटर्स तक कोई भी अनजान व्यक्ति पहुंच करके पिच की जानकारी ले सकता है। हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उन सभी को हमने आज कल से संपर्क करना शुरू किया है, आज मेल भी भेजी है, SMS भेजे हैं, मोबाइल फोन भेजा है, मोबाइल पे SMS भेजे हैं, मेल किया है और संपर्क करने की कोशिश की BCCI को भी और सभी खिलाड़ियों को भी। तो अभी तक सिर्फ दलजीत सिंह ने हमको रिस्पॉन्ड किया है जो चेयरमैन है BCCI पिच कमेटी और ग्राउंड्स के, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि मैं वो हमको अपनी प्रतिक्रिया देंगे, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे सर नहीं सर हमारी नहीं सर हमारी स्टोरी सिर्फ एक लाइन में स्टोरी सिर्फ इतनी है कि जो क्रिकेट के मैदान पे जो खेल हो रहा है और उसमें पिच को बदला जा रहा है, पिच के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जो कि एक लाइन में स्टोरी सिर्फ इतनी है कि पिच के साथ छेड़छाड़ हो रही है जो कि ICC और BCCI की जो अपनी गाइडलाइंस है अपने जो नियम है उसका वो खिलाफ जा रही है। और दूसरी उसमें यह है कि पिच की इनसाइड इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचाई जा रही जिन तक पहुंचनी नहीं चाहिए, ये 2 लाइन की स्टोरी है। नहीं नहीं हमने अब इसमें स्टोरी में बताया था, शायद आप मिस कर गए होंगे, हमने सिर्फ ये कहा कि हमारे रिपोर्टर्स ने कि हम एक राइटर हैं और बुक लिख रहे हैं
और बुक में हम आप इंफॉर्मेशन हमको दीजिए, हम आपके नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आप वो बाकी सारी इंफॉर्मेशन दीजिए। किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं दिया गया, किसी भी तरह का प्रलोभन किसी को नहीं दिया गया जी। और 83 साल के हैं, आप 83 साल के व्यक्ति को समझ सकते हैं। सर हाँ सर, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं कि उनकी हम बात ना माने। आप मतलब जो नहीं मानना चाहे वो कह सकते हैं कि भाई ये क्यूरेटर कौन होते हैं ये सब कहने वाले, लेकिन चूंकि आप भी जानते हैं कि क्यूरेटर खेल से जुड़े हुए हैं और क्यूरेटर वो हैं जो पिच बनाते हैं, मैदान बनाते हैं। हाँ स्टिंग सर, जो इस तरह के इन्वेस्टिगेशन होते हैं वन साइडेड होते हैं, ये बिल्कुल सच बात है। जब भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं इसमें उनका सर, ये 10 क्यूरेटर्स हैं। नहीं बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन ये 10 क्यूरेटर्स हैं सर, और उसमें ये 30-30 साल से क्यूरेटर्स जो इस देश में काम कर रहे हैं वो क्यूरेटर्स हैं सर ये। जी सर जी अशोक जी नहीं सर, उसमें मैं आपको जो नहीं सर उस थोड़ा सा उसमें मैं आपको सुधार कर दूं, क्योंकि ये जो बीसीसीआई और आईसीसी की जो गाइडलाइंस है, नहीं हम देखिए जो 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 आप मानते हैं भाई एक गाइडलाइंस आप बनाते हैं उसी हिसाब से उसको फॉलो करेंगे। इसमें जो मैंने आपको पहले जिक्र किया, ओनली कैप्टन एंड टीम कोचेस में वॉक ऑन द एक्चुअल प्लेइंग सरफेस ऑफ द पिच एरिया आउटसाइड द क्रीज मार्किंग्स, एक नहीं और सबसे उसमें उसमें आप नहीं नहीं अब आगे सुनिए आगे सुनिए। एक्सेसिव जिनको एक्सेस है, जिनको जिनको एक्सेस है उनके लिए लिखा हुआ है दे शैल नॉट इंटरफेयर विथ पिच प्रिपरेशन। तो अगर आप खिलाड़ी हैं या आप कोच हैं या कप्तान हैं, जब आपको ठीक है कप्तान को एक्सेस है पिच तक, लेकिन उसके बाद आप जो जो लोग क्रिकेट खिलाते हैं, जो लोग क्रिकेट बना रहे हैं, उन्हीं लोग उन्हीं के नियम हैं, उसी को हम उसी पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब दे शैल नॉट इंटरफेयर विद पिच प्रिपरेशन। तो पिच प्रिपरेशन क्या है?
नहीं फिर तो फिर इस लॉ को बदल देना चाहिए। नहीं तो ठीक है, ये तो स्टिंग का वो है, ये तो मापदंड मान्य है। नहीं अगर आप स्टिंग करते हैं तो ये तो मापदंड हमारे जर्नलिज्म उसमें मान्य है, कोई इसमें नियम तोड़ने वाली कोई बात नहीं। आप पूरा शो देखेंगे तो जी सर सर हमने इस इन्वेस्टिगेशन का जितना है वो बता रहे, बाकी हम और तो बारे में कह नहीं सकते। वो स्टोरी में है, जब शाम को स्टोरी पूरी आ रही है उसमें, हाँ उसमें है, सब में है, उसमें सब कुछ है। नहीं कहता। चलिए सर छोड़ दीजिए, चलिए आप भी चुप छोड़ दो। चलिए और कोई सवाल हो किसी का तो बताइए जी, आप पूछिए सर, इनको एक मिनट सर, आप बोलिए। नहीं ये तो पूरे पेपर्स में, उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है, ये पेपर्स में दर्ज है जो आईसीसी और बीसीसीआई की जो अपनी गाइडलाइंस है लॉ 7.3 उसमें 1, 2, 3, 4 ए बी सी डी ई 7-8 क्लॉज हैं, उस क्लॉज में सारी चीजें उनकी गाइडलाइंस में निश्चित, और ये सारे क्यूरेटर्स अपनी बातचीत में कह रहे हैं कि जो हमसे करवाते हैं और जो ये हम कर रहे हैं ये गलत है, हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम डर जाते हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, कल को ये होता है कई बार हम मना कर देते हैं, पता चला अगला मैच हमको नहीं मिलता है, तो इसलिए हम उनके दबाव में आ जाते हैं। तो जो बात हो रही है वो प्रैक्टिस के लिहाज से ठीक हो सकती है, लेकिन जो रूल्स हैं आईसीसी और बीसीसीआई ने अपने जो रूल्स बनाए हैं उसके हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत काम हो रहा है क्रिकेट में। नहीं हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इस पर जा रहे हैं कि जिस मैच की बारे में क्यूरेटर्स ने बताया उस मैच का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस मैच में ऐसा हुआ था, उस मैच में ऐसा हुआ था। एनीथिंग एल्स?
प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ सर बोलिए सर, आखिरी सवाल। जी सवाल नहीं समझ रहा सर। हाँ हाँ सर, उसकी उसके बारे में पूरी तफ्तीश से हमने तफ्तील से रात को सही बोल रहे हैं आप। स्टोरी जब पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, टोटो में जब देखेंगे तो तब आपको समझ में पूरा स्टोरी आएगा। ये उसका छोटा सा पोर्शन था। थैंक यू।